बम होने की पीसीआर कॉल, मदर मैरी स्कूल में ईमेल से धमकी दी गई है, संस्कृति स्कूल में भी बम की धमकी दी गई है, साथ ही साथ द्वारका के डीपीएस स्कूल को भी धमकी मिली है। और आपको बता दें कि स्कूलों की तलाशी अब पुलिस ले रही है, सभी स्कूल को खाली भी कराया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, और अपडेट्स के साथ दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए, आज सुबह से ही दिल्ली में एक अफरा तफरी का माहौल है, और माहौल की वजह बनी है कि आज सुबह से लेकर अभी तक करीब 11 स्कूलों में मेल के माध्यम से ये जानकारी साझा की गई कि वो उस स्कूल में बम है। लिहाजा स्कूल के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तत्काल प्रभाव से इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। उसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, स्थानीय पुलिस की टीम वो पहुंची, और कह सकते हैं कि जिस तरह से तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जब पहुंचे तो उसके बाद स्कूल में तफ्तीश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन सबसे राहत भरी खबर कही जा सकती है कि अभी तक इस मामले में कहीं से भी किसी भी स्कूल से कोई भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। लेकिन अब यहां सवाल उठता है कि अगर सामान नहीं मिला है तो आखिर वो कौन शख्स है जिसने इस पूरे मेल को भेजा है, किसने इस तरह के हरकत को अंजाम दिया है, क्या ये सोची समझी साजिश है या इस मामले में किसी की शरारत है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे हंगाला जाएगा, तफ्तीश किया जाएगा, और हो सकता है कि जल्द ही इस मामले पर तफ्तीश की खबर है कि सभी बच्चों को स्कूल से, छात्रों को निकलवा दिया गया है। अभी स्कूल में जो है प्रशासन की टीम सिर्फ मौजूद है जांच के लिए। आपने सही कहा है, इस पॉइंट को मैं और एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से सुबह सुबह के वक्त जो कई स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर मॉर्निंग में 7 बजे से क्लासेज स्टार्ट होता है, तो उस वक्त में पेरेंट्स पहुंच गए, छात्र भी पहुंच गए, और पहुंचने के बाद वहां पर स्थिति खराब ना हो, ज्यादा वह हंगामेदार ना हो, इसलिए वहां पर स्कूली प्रशासन के द्वारा बेहद शांत तरीके से उन तमाम बच्चों को वापस घर जाने के लिए कहा गया, और कई पेरेंट्स लौट भी आए। लेकिन बाद में इस मामले पर कुछ पेरेंट्स जो हैं वो हंगामा करते हुए भी दिखे, लेकिन बाद में उन्हें समझाया गया कि कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य है जिसके चलते आज स्कूल में छुट्टी दिया गया है। तो अब लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आप ये क्लियर कर पाए कितने स्कूलों को ये धमकी मिली है, और अगर ये पॉसिबल है तो उनके नाम भी क्या आप बता सकते हैं? हाँ, मैं उन तमाम नाम में बताना चाहूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली में अमित स्कूल बेहद चर्चित स्कूल है, यहाँ पर ऐसी खबरें आई हैं, अमेठी स्कूल, इसके साथ ही बगल में बसंत कुंज का इलाका है, बसंत कुंज इलाके में डीपीएस स्कूल है, डीपीएस स्कूल में इस तरह की जानकारी मिली है। इसके साथ ही नई दिल्ली का जो संस्कृति स्कूल है, मैं वो बताना चाहूंगा, जहाँ पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, संस्कृति स्कूल है नई दिल्ली का, वहां पर भी इस तरह के ईमेल के माध्यम से जानकारी साझा की गई है। जो संस्कृति स्कूल है ये चाणक्यपुर इलाके में है। पूर्वी दिल्ली का जो मयूर विहार इलाका है, यहाँ पर जो एक स्कूल है, और इसके साथ ही द्वारिका का डीपीएस स्कूल है जहाँ पे बम होने की जानकारी साझा की गई है। इसके साथ ही जो वेस्ट दिल्ली का इलाका है, वहाँ पे 5 प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर धमकी भरे मेल आया है, जिसमें कि 5 इलाके की अगर बात करें, हरिनगर, इसे जो गुरु हरकिशन स्कूल है नारायणा इलाके में, सलवान जूनियर स्कूल है, जनकपुरी में संत मैरी स्कूल है, और इसके साथ ही एसएल सूरी डीएवी स्कूल है जहाँ पे धमकी भरा कॉल आया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 11 है, लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स और भी उसमें इजाफा हो सकता है, और जैसे जैसे स्कूलों को ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं, उसके बाद स्कूल प्रशासन के द्वारा वो तमाम अपने ऑफिशियल मेल को हटा जा रहा है। और क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, तमाम स्कूलों के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, और इसके साथ ही तमाम स्कूलों को भी वो इलाके के जो डीसीपी के दफ्तर से सूचित किया जा रहा है, उनके संपर्क में रह करके तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां होती हैं तो तत्काल प्रभाव से जो स्थानीय जो बीट कॉन्स्टेबल होता है उसको जानकारी दें, या डीसीपी और एसीपी अपने जो अपने अपने इलाकों के जो डीसीपी एसीपी हैं उन्होंने भी अपना अपना नंबर तमाम स्कूलों में दे रखा है, और उन्हें कहा गया है कि अगर किसी को कुछ ऐसी दिक्कत हो तो तत्काल प्रभाव से वो
और तमाम जानकारियों को साझा करें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सतर्कता बरती जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है और पेरेंट्स से भी अपील किया जा रहा है। आनंद, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली के 12 स्कूल ऐसे हैं जहां बम मिलने की खबर मिली है। हालांकि प्रशासन की टीम अभी एक्टिव है और प्रशासन की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक रात की बात है, कहीं से भी कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि स्कूल में मेल के जरिए धमकी दी गई थी। कई सारे ऐसे स्कूल हैं, द्वारका के डीपीएस स्कूल हैं जहां मेल के जरिए धमकी दी गई और साथ ही साथ अभी स्कूलों को खाली करा दिया गया है। कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।